गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट वन। इस पार्ट में मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन की थ्योरी, इसका कंसेप्ट और कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा। साथ में कुछ शॉर्टकट डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एवरेज इजीली एंड टाइमली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरा चैनल एक्सपीरियंस ग्रुप को सब्सक्राइब करें। इससे उनको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो मेरे काफी सारे वीडियोस इजीली ब्राउज कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस फ्रूट। नाउ एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या फर्क होता है, इस चीज को समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज करें कि आपके पास तीन पर्सन की हाइट है, 60, 105 एंड 105। आपको इनकी एवरेज हाइट निकालनी है। हाई स्कूल में हम क्या करते थे कि तीनों वैल्यूज को एडिशन करो और नंबर ऑफ वैल्यूज यानी तीन से डिवाइड कर दो, तो हमारी एवरेज आ गई 90। बट हम इसमें देखें कि हमारी कैलकुलेशंस ज्यादा हो जाती हैं एक्चुअली। कैसे, 60 + 105 + 105 यानी 270/3। बट इसका एक अल्टरनेटिव आप सभी को आता होगा कि हम क्या करते हैं कि हम इनमें से कोई एक इस रेंज के अंदर एवरेज एज्यूम कर लेते हैं। सपोज मैंने मान ली कि इनकी एवरेज 85 है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पर्सन की जो हाइट है वो 85 है, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जब हम तीनों की 85 मान रहे हैं तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो फर्स्ट एलिमेंट है 60 वो 85 से 25 शॉर्ट है। तो जस्ट हमें उस जो चेंज है उसकी कैलकुलेशंस करने की रिक्वायर्ड है, पूरी होल वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड एवरेज आएगी वो आएगी हमारी एज्यूम्ड एवरेज प्लस चेंज। अब चेंज कितना है, हमने 85 माना था, ये 85 से कितना शॉर्ट है, 25। 85 से कितना ज्यादा है, 20। 85 से कितना ज्यादा है, 20। तो हम सिर्फ इन तीनों की कैलकुलेशंस करेंगे, ना कि 60, 105 एंड 105 की। इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास आया +5। +5 का मतलब क्या है कि जो हमने एज्यूम की है एवरेज उसके अंदर हमें एडिशन करना है +5 का। हमारी एज्यूम्ड एवरेज क्या थी, 85, हमने एडिशन कर दिया इसमें +5 का, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 90। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम क्या करेंगे इनमें से इस रेंज के अंदर 60 to 105 रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू को हम मान लेंगे कि वो हमारी एवरेज है। और बाय एवरेज कंसेप्ट इसका मतलब क्या होता है कि हम उन तीनों की ही वैल्यूज को वो पर्टिकुलर वैल्यू मान सकते हैं। तो सपोज मैंने किया कि उन तीनों की वैल्यू है 85, यानी 85 + 85 + 85। अब मैं क्या करूंगा, हर वैल्यू को 85 से कंपेयर करूंगा। अब 60 को 85 से कंपेयर करूंगा तो मैंने पाया कि मेरी एवरेज कम होनी चाहिए थी, जो एज्यूम्ड एवरेज है उससे कम आया है 60, तो मैंने कर दिया -25। अब ये मेरी एज्यूम्ड एवरेज से ज्यादा है तो मैंने कर दिया +20। ऐसे ही ये भी मेरी एज्यूम्ड एवरेज से ज्यादा है तो मैंने कर दिया +20। अब इन तीनों का एडिशन करके मेरे पास क्या आया, +15, और बाय 3 करके मेरे पास आई वैल्यू +5। यानी जो मैंने एवरेज एज्यूम की थी वो मेरी वैल्यू रिक्वायर्ड एवरेज से 5 कम है, तो मैं इसको 5 बढ़ा दूंगा तो मेरी एवरेज आ गई 90। आप देख सकते हैं ये सेम है जब हमने पूरी कैलकुलेशन करके निकाला। अब यहां पे मैंने कैलकुलेशंस आपको इजी दे रखी है इसलिए आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चला। सपोज करो यहाँ पे 60 की जगह होता 2077, 3052 या समथिंग लाइक दैट, फिर आप क्या काम करते कि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो बढ़ जाती। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें एवरेज निकालनी है तो हम उस रेंज के अंदर वो वाली कोई भी वैल्यू एज्यूम करके हम अपनी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर मैक्सिमम यूज होता है और एवरेजेस के क्वेश्चन के अंदर। अब इसी को हम टारगेट बनाते हुए इसी मेथड को इसको हम एलिगेशंस में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले इसी सिचुएशन को हम देखते हैं कि वेटेड एवरेज सिचुएशन में हम कैसे इसको लेके आते हैं। एलिगेशन के अंदर जब भी हम सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे वो ऐसे ड्रॉ होगी, यहाँ पे हमारी एवरेज वैल्यू होती है एक ग्रुप की, यहाँ पे हमारी एवरेज वैल्यू होती है सेकेंड ग्रुप की, यहाँ पे हमारे पास नेट एवरेज आता है दोनों ग्रुप का, और यहाँ पे हमारी रेशोज होती है, ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड ग्रुप। ओके, तो
फर्स्ट ग्रुप का एवरेज वेट क्या दिया हुआ है इन्होंने 60, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 60। अब इस ग्रुप में कितने मेंबर है, देखिए यहाँ पे 60 कितनी टर्म्स है, 1 टर्म है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 60। ऐसे ही अब सेकंड ग्रुप का एवरेज वेट इन्होंने क्या दिया हुआ है 105। 105 में इस ग्रुप में कितने मेंबर है, 2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ओके, तो अब ये 2 इसका वेट हो गया, इसलिए हमने कह दिया कि ये वेटेड एवरेज है। ओके, अब हमें इसकी एवरेज निकालनी है। ओके, तो 60 इज द एवरेज हाइट पर पर्सन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड 1 नंबर ऑफ पर्सन इन फर्स्ट ग्रुप। ऐसे ही 105 इज द एवरेज हाइट ऑफ सेकंड ग्रुप एंड 2 इज द नंबर ऑफ पर्सन इन सेकंड ग्रुप। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी एवरेज। अब सेम कॉन्सेप्ट से हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशंस क्या हो जाए, कम। अब बजाय 60 टू 105 की रेंज में हम 85 को एवरेज मान लेंगे, इसमें से ही एक एलिमेंट को एवरेज मान ले हम, या 60 को या 0105 को। अब इस चीज का फायदा हमें क्या मिलेगा कि जो उसका वेट है उस एवरेज का, वो हमारा जीरो हो जाएगा, उसकी हमें कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज अगर मैं अपनी एवरेज 60 मान लेता हूं, तो जो इस ग्रुप के बंदे हैं उन सबकी 60 एवरेज है, तो हमारा चेंज कितना हमें करना पड़ेगा, 0। अगर मैंने इसे 85 माना होता तो मुझे कितना चेंज करना पड़ता, -25 का, यानी अब मुझे -25 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे 60। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपको एलिगेशन डायग्राम के अंदर एवरेज निकालनी हो, तो अपने मन में उन दोनों एलिमेंट में से किसी एक को एवरेज मान लो, इससे हमारी कैलकुलेशंस काफी कम हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 एवरेज मान लेंगे इसकी, तो 60 - 60 यानी 0, तो हमें इसके अंदर 0 चेंज करने की रिक्वायरमेंट है और हमारी एज्यूम्ड एवरेज ठीक है। बट जब हम इसे सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो सेकंड एलिमेंट है वो इसे 45 ज्यादा है। ओके, देखो 105 - 60 = 45। अब वेटेड एवरेज प्रॉब्लम है ये, यानी अभी ये 45 कितने बंदे हैं इस ग्रुप के अंदर, 2 बंदे हैं, यानी इन 2 बंदों का ही ज्यादा है, जो हाइट है दोनों की हाइट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 45 × 2, तो हमारे पास आएगा 90। अब ये 90 जो ओवरवेट आया यहां से, ओवर हाइट आई यहां से, हम वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन में दोनों ग्रुपों को मिला के, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1:2, तो यहां से क्या आएगा 90/3, हमारा आगे वैल्यू 30। ओके, अब एज्यूम एवरेज क्या थी हमारी 60, चेंज हमें कितना करना है 30 का, तो हमारी रिक्वायर्ड एवरेज कितनी आ गई 90, और हमने लास्ट के अंदर भी यही किया था, इनकी एवरेज हाइट निकाल ली थी, वो आई थी 90। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हो उसे एज्यूम करें एवरेज, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालें, ये हमारा ज्यादा ही पाएगा तो पॉजिटिव रहे से, प्लस 45 × 2 किस लिए किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट थे वो 2 थे, और बाय टोटल कर दें 1 + 2 = 3, तो 90/3 का हमने चेंज किया 30। जिन बच्चों का भी समझ में नहीं आई है चीज, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब उन्हें क्लियर हो जाएगा, प्लीज कंफ्यूज ना हो, वीडियो को आगे देखें। अब हम इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, 4 किलोग्राम ऑफ राइस एट ₹5 पर किलोग्राम इज मिक्स्ड विद 8 किलोग्राम ऑफ राइस एट ₹6 पर किलोग्राम, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। अब यहां पे ध्यान से देखें कि क्वांटिटीज को हमने रेशियो के अंदर दिया हुआ है 4 किलोग्राम एंड 8 किलोग्राम, 4 किलोग्राम 8 किलोग्राम, और ये हमें एवरेज दी हुई है ₹5 पर केजी, यहां पे हमने लिख दिया ₹5, यहां पे लिख दिया ₹6। अब 5 के ऊपर हमने कितनी क्वांटिटी ली थी 4, तो 5 की क्वांटिटी 4, और 6 की हमने क्वांटिटी ली थी 8। अब हमें इसकी एवरेज मिक्सचर का एवरेज प्राइस निकालना है, तो एवरेज प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, सबसे पहले हम वैल्यू मान लेंगे कि हमारी क्या है 5 एवरेज है, और इस रेशियो को हम मिनिमम कर लेंगे, मतलब रेशियो को सबसे कम वैल्यूज के अंदर डिवाइड कर लेंगे, 4:8 का मतलब क्या हुआ, ये रेशियो क्या है 1:2, तो हमारी फिगर बन गई ये 5, हमारी क्या है एज्यूम एवरेज। अब हम देखेंगे कि हमारी एज्यूम्ड एवरेज हमारी एक्चुअल एवरेज से कितना चेंज आएगा, उसे कैलकुलेट करेंगे, तो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस वो क्या है 1, और इस वैल्यू का वेट कितना है 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 = 2,
और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 + 2 = 3, तो हमारे पास क्या आएगा, +1 × 2 × 3 = 0.66. अब हमें 0.66 का चेंज करना है अपनी अज्यूम्ड एवरेज में, हमारी अज्यूम्ड एवरेज क्या थी, 5 + 0.66 = 5.66. जस्ट आपको क्या करना है, आप ऐसे याद रखें, जब भी आप इसे ले लेंगे तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी, इन दोनों वैल्यूज को भूल जाइएगा आप, सिर्फ ये वाली दो वैल्यूज बचेंगी। अब चेंज के लिए हमें कितना करना था, इसमें इसमें प्लस वन का चेंज है, प्लस वन और बाय इस प्लस वन को हमें कितने एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 में, नहीं प्लस वन, हाँ ये है प्लस वन का चेंज है, प्लस वन का चेंज इसके एक एलिमेंट में है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हुए हैं इसने, 2, तो टोटल चेंज कितना होगा, प्लस 2 का, ये प्लस 2 हमें कितने एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 एलिमेंट्स में, यानी 2 + 1, तो प्लस 2/3 का हमें टोटल चेंज करना है, तो प्लस 2/3 हमारा क्या होता है, 0.66, तो हमारी एवरेज आ गई 5.66। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अब इसी सिचुएशन को हम दूसरे मेथड से भी डिस्कस कर सकते हैं, बजाय अगर आपको ये वाला मेथड समझ नहीं आ रहा है तो सेकंड अप्रोच है स्ट्रेट लाइन अप्रोच, दोनों के अंदर हम काम एक जैसा ही करेंगे, कैलकुलेशंस आपकी उतनी ही होगी, सिर्फ थॉट प्रोसेस का फर्क है। तो सेम एलिगेशन डायग्राम को हम स्ट्रेट लाइन अप्रोच के थ्रू ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन अप्रोच के जो 5 और एवरेज के बीच का डिस्टेंस है वो कोरस्पोंड करेगा 8 वैल्यू को, और जो एवरेज और 6 के बीच का डिफरेंस है वो कोरस्पोंड करेगा 4 वैल्यू को, ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन अप्रोच। ओके, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अभी आपकी डिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया एज ए नंबर लाइन की तरह, तो जो डिफरेंस होगा दोनों का 5 और 6 का यानी 1, अब इस 1 को हमें इन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, और वो दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे वो हमें बता रही है ये रेशो 4:8 की। ठीक है, अब यहां पे तो रेशो 4:8 दिया हुआ है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगी 8:4 के अंदर। ऐसा क्यों होगा ये आप समझने की कोशिश करें, सपोज आपके पास एक वैल्यू है 5 और एक वैल्यू है 6। ठीक है, इस वैल्यू को 6 वैल्यू वाले बंदे आपके पास है, नंबर ऑफ पर्सन 8, तो जो एवरेज है यानी जो पलड़ा है वो आपका किस तरफ झुक जाएगा, 6 की तरफ, यानी ये 5.5 तो एवरेज नहीं आएगी क्योंकि हमारा इस तरफ वेट ज्यादा है और इस तरफ वेट कम है। ओके, तो हमारी वैल्यू हमेशा 5.5 से ज्यादा आएगी, यानी ये डिस्टेंस हमेशा आपका बड़ा रहेगा अगर इधर वैल्यू बड़ी है, और ये डिस्टेंस आपका छोटा रहेगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो इनके रिवर्स रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी 1 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के अंदर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम 1 का डिफरेंस था, रेशो कितनी थी 8:4, पहले 4:8 गिवन थी, बट क्योंकि ये वाला वेट हमारा इसको कोरस्पोंड कर रहा है तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम, ये वाला पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8/12, 1 × 8/12 = क्या आया 5 + 2/3 = 5.66। सिमिलरली अगर हम ये वाली वैल्यू यहां से निकालना चाहते हैं, ये डिस्टेंस, ये कैसे आएगा, 6 हमारी बड़ी वैल्यू है, 6 में से माइनस होएगा, माइनस कितना होएगा 4/12, तो यहां से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 6 - 0.34 यानी 5.66। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये मेथड पसंद नहीं आ रहा होगा, तो जो कुछ फॉर्मूला लविंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला है और इस डिस्टेंस का फॉर्मूला है, अगर ये a1 है, ये a2 है, ये n1 है, ये n2 है, तो हम क्या करेंगे, a2 - a1 × n1/n1+n2, तो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी 6 में से जब आप ये डिस्टेंस घटा देंगे तो आपकी ये वाली एवरेज आ जाएगी। ओके, ऐसे ही इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 - 5 × a2/n1+n2। ओके, मैथमेटिकली आप हमेशा
जो मैंने ये तीनों प्रोसेस बताए, फॉर्मूले वाला प्रोसेस बताया, स्ट्रेट लाइन अप्रोच बताई, या मैंने जो आपको कहा एज्यूम्ड एवरेज, आप एवरेज मान लें, तो मैथमेटिकली आप हमेशा सेम ही काम कर रहे हैं। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे 5 एज्यूम किए और उसके बाद जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको आप लें। तो अब सेकंड अप्रोच में देखिए और फॉर्मूला अप्रोच में देखिए। सेकंड अप्रोच में भी हम 5-6 कर रहे हैं, यहाँ पे भी 5 मानने के बाद इसमें भी हम 5-6 कर रहे हैं, तो फॉर्मूले में भी आप देखिए आप a2-a1 कर रहे हैं, यानी 6-5। ओके, तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी हमेशा। उसके बाद हम जो हमारे पास माइनस करके आता था उसको इस वेट से मल्टीप्लाई करते थे। फॉर्मूले के अंदर भी आप इस वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन अप्रोच के अंदर भी आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट से उसे डिवाइड कर देते थे। इसके अंदर भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं 12, फॉर्मूले के अंदर भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं 12। ठीक है, तो जो तीनों अप्रोच है वो आपकी तीनों ही अप्रोच के अंदर मैथमेटिकली हमारा सेम काम हो रहा है, बस सिर्फ थॉट प्रोसेस का फर्क है। जो सा प्रोसेस आपको अच्छा लगे उस प्रोसेस के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। A1 और A2, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज दी हुई है दो अलग अलग ग्रुप की, वहां यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आएंगी। उसके बाद AW आपकी ओवरऑल मिक्सचर की एवरेज होगी और N1 एंड N2 आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होंगे। नेक्स्ट आपका वेटेड एवरेज का आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, A1 इंटू में N1 यानी ग्रुप 1 की एवरेज वैल्यू इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 की एवरेज वैल्यू इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 इंटू में एडिशन करते जाएंगे आप ऐसे ही nth ग्रुप की एवरेज वैल्यू इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth ग्रुप और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। A1 में N1 थे, A2 में N2 थे और AN ग्रुप में NN एलिमेंट्स आएंगे आपके। ओके, तो इसके बेस के ऊपर आप ये यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव अप्रोच हो जाती है, इसलिए हम एलिगेशन को यूज करते हैं, एलिगेशन डायग्राम को यूज करते हैं, ताकि हमारे को ज्यादा से ज्यादा हम कैलकुलेशन से बच सकें। ओके, नाउ सबसे मेन पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनिए, AW इज कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ N1 एंड N2, जो ये हमारी एवरेज वैल्यू है ये हमेशा N1 और N2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए कि अगर हमारा वेट A1 क्या है, हमारा एवरेज है वेट का, तो वेट किसके रिस्पेक्ट में निकलती है, अभी इस एक पर्सन का एवरेज वेट होता है पर पर्सन या हाइट पर पर्सन, तो यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन लेते हैं। ओके, अब सपोज करो यहाँ पे हमें दिया हो A1 और AW क्या है हमारे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, कॉस्ट प्राइस के, या जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि हमारे प्रॉफिट किस चीज के ऊपर है तो हम उसे कॉस्ट प्राइस लेते हैं, तो यहां पे किसकी रेशियो आएगी, कॉस्ट प्राइस की रेशियो आएगी। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे A1 और A2 और AW स्पीड दे रखी है तो स्पीड किसके रिस्पेक्ट में निकलती है, हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टाइम की रेशियो आएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम बाकी सब चीजें हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती हैं कि अगर A1 ग्रुप है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं तो हम यहाँ पे 5 लिख देते थे, बट जो स्पीड का वैल्यूज है टाइम की रेशियो से इन्वर्ट होती है, तो हम यहाँ पे जो रेशियो लिखेंगे वो रिवर्स रेशियो लिखेंगे। ओके, क्योंकि मान लो A1 स्पीड ज्यादा है तो A1 को कम टाइम लगेगा, यानी वो टाइम क्या होगा N2 के कोरस्पोंडिंग वाला, तो यहाँ पे हमेशा रिवर्स रेशियो लिखते हैं। इस चीज को समझने के लिए अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ए मैन ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न्स एट 100 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो स्पीड का रेशियो हमें क्या दे रखा है, 60 और 100, जाने की स्पीड 60, आने की स्पीड 100, तो स्पीड का रेशियो 60:100 हुआ। ये हमें पता है, जो टाइम का रेशियो है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है वो स्पीड की रेशियो से उल्टी रेशियो होती है, तो इस रेशियो को हम लिख सकते हैं 3:5 और टाइम की रेशियो हमारी क्या हुई, 5:3। अब हम इन वैल्यूज को किसमें पुट करेंगे, एलिगेशन डायग्राम में। तो फर्स्ट ग्रुप की एवरेज क्या आई हमारे पास 60, सेकंड ग्रुप की एवरेज क्या आई हमारे पास 100, हमने अपने एज्यूम करी एवरेज 60 और टाइम की रेशियो क्या है 5:3। अब हमें ये एवरेज निकालनी है,
इस एवरेज को अब हम कैसे निकालेंगे, 60 माइनस 100 कितना आया 40, 40 इंटू 3 क्या आया 120, 120 बाई 8 क्या आया हमारे पास 15, यानी हमें 15 का चेंज करना है अपनी एवरेज के अंदर, तो हमारी एवरेज क्या आ गई 75। इट्स सो सिंपल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले जब हम इसको एज्यूम कर लेंगे 60 तो हमारी ये चीज तो जीरो हो ही जाएगी, इस चीज के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना कभी भी। और अब आपके पास ये 60 से ज्यादा है तो एक में चेंज कितना है प्लस 40 का, प्लस 40 का चेंज है, और इस क्वांटिटी का वेट कितना है 3, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस वैल्यू को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, 5 प्लस 3 8 एलिमेंट्स में, तो 40 इंटू 3 120 बाई 8 कितना आया 15, और 15 प्लस 60 इज इक्वल टू 75। ओके, अब इसको हम सेकंड स्ट्रेट लाइन अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन अप्रोच क्या करती है कि हमें देखना है कि जो ये वाला डिस्टेंस है वो 3 के कोरस्पोंडिंग है, और ये वाला डिस्टेंस है 60 और 100 के बीच में ये 5 के कोरस्पोंडिंग में है। तो हम क्या करेंगे, जनरली सिंपल A2 माइनस A1 करेंगे, ये क्या आया 40। 40 को अब हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने नंबर लाइन को, वो नंबर लाइन के ऊपर ये पार्ट्स बता रहा है हमें 5 एंड 3, तो यानी 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें 40 के इंटरवल को। 40 के इंटरवल को अगर हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पर पार्ट वैल्यू क्या आएगी 5। अब ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हुआ 25, क्योंकि ये 5 को कोरस्पोंडिंग कर रहा है, 5 पार्ट्स इधर, और ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना होगा 3 पार्ट्स 60 से दूर, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी 5, 3 इंटू 5 15, तो हमारी एवरेज आ गई 75। और अगर हम इधर से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस आएगा हमारा 5 पार्ट्स, यानी 5 इंटू 5, 5 पार्ट्स का भी आया हमारा 75। तो अगर आप फॉर्मूले में पुट करने जाएंगे तो आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसे डेवलप हो गया जैसे एक्चुअली एलिगेशन डायग्राम वर्क कर रहा है, तो आपकी कैलकुलेशंस का टाइम बहुत ज्यादा कम लगेगा। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इसको एज्यूम करें और इस उससे चलें थॉट प्रोसेस से। इससे क्या होगा, जब आपके नंबर ऑफ एलिगेशन डायग्राम ज्यादा हो जाएंगे, 2 to 3 हो जाएंगे या 3 to 4 हो जाएंगे, आपके एलिगेशन 3 वैल्यूज आ जाएगी, तो आपको मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट एवरेज मान के फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका एक ही मेथड रहेगा और आपके माइंड के ऊपर बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। आपको स्पीड की रेशो दी हुई थी 60:100, यानी कि 3:5। यहां से आपने 5:3 टाइम की वो निकाल ली, क्योंकि जो भी हमारी ये वैल्यू होती है एवरेज, एवरेज यहाँ पे स्पीड दी हुई है, तो स्पीड किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है, आर्क यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे रेशो किसकी आएगी, टाइम की। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको कई बार कंफ्यूज किया जाएगा कि आप अपने एलिगेशन डायग्राम को कैसे बनाएं, वो किसी और चीज की रेशो दे देंगे, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एलिगेशन डायग्राम में जो यहाँ चीज होती है, वो चीज जिस रिस्पेक्ट में निकाली जाती है सिर्फ उसी की ही रेशो आती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एवरेज स्पीड थी तो यहाँ पे टाइम की रेशो आई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एवरेज स्पीड को एज्यूम करेंगे 60, डिफरेंस देखेंगे इसमें कितना है 40 का, मल्टीप्लाई करेंगे इसके वेट से 120, और 120 को डिस्ट्रीब्यूट हमें कितने में करना है 8 पार्ट्स में, तो 120 बाय 8 इज इक्वल टू 15, तो 15 प्लस 60 इज इक्वल टू 75। ओके, एक बार आपको देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एवरेज निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन ट्रेवल्स 30 मिनट्स एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड 20 मिनट्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, एलिगेशन डायग्राम। एलिगेशन डायग्राम के अंदर हमें दो एवरेज कैसे कैसे लिखी हुई है, 25 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमने अपने एलिगेशन डायग्राम में लिख लिया 25 एंड 40, नेट एवरेज हमें निकालनी है, और रेशो क्या दिया हुआ हमने टाइम का, 30 मिनट्स दिस एंड 20 मिनट्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो 30 मिनट्स हमें इसका दिया हुआ है, 20 मिनट्स हमें इसका दिया हुआ, हमने डायरेक्ट लिख लिया 3:2। नाउ अब इसकी एवरेज मेरे साथ ओरली कैलकुलेट कीजिए। एज्यूम किया हमने 25, डिफरेंस कितने का आया 15 का, वेट कितना है 2 का, तो 15 इंटू 2 का आया 30। 30 अब इस 30 को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, 3 प्लस 2 5, यानी
30 बाय 5 यानी 6 का चेंज करना है हमने अपनी अज्यूम्ड में, तो एवरेज आई 31. सो कैलकुलेट लाइक दिस, 25 माइनस 40 15 इनटू 30, 30 बाय 5 6, 6 प्लस 25 31, आपके पास एवरेज आ गई 25. 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 31. ओके, तो ये आपसे बड़ी ओवरली बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट एलिगेशन डायग्राम बनाने. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है इस मेथड का. आगे चलते हैं. अब थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्वेश्चन. ए मैन कवर्स 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस विद 4 किलोमीटर पर आवर एंड 2/3 विद 6 किलोमीटर पर आवर. अब हमें इसकी एवरेज डिस्टेंस निकालनी है, और अगर आप ध्यान से देखें आप में इसके अंदर टाइम का रेशियो नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस डिस्टेंस के रेशियो को ही पुट कर देते हैं एलिगेशन डायग्राम के अंदर, और उनका आंसर गलत हो जाता है. वैसे काफी सारे बच्चे इसको एलसीएम मेथड से करते हैं, बट एलसीएम मेथड टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो आप फॉलो करें एलिगेशन मेथड. ओके, तो इससे बहुत जल्दी होता है. तो अब हमें डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, तो डिस्टेंस के रेशियो से सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम का रेशियो निकालेंगे. टाइम का रेशियो टाइम की क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ, 1/3, स्पीड क्या दी हुई है 4, तो 1/3 इंटू 4 ये आ गया. ऐसे ही टाइम का क्या दिया हुआ, डिस्टेंस 2/3, स्पीड कितनी दी हुई है 6, तो इनका रेशियो आ गया 1/12 रेशियो 2/18 यानी 9. 1/9 और 1/12, तो 12 इधर चला जाएगा, 9 इधर चला जाएगा और 12 इधर, तो रेशियो आएगी हमारे पास 9:12. इस रेशियो को हम और सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं एज 3:4 यानी 3 3 9, 3 4 12. तो हमारे टाइम की रेशियो क्या आई, 3 4, स्पीड हमें दी है 4 6. एलिगेशन डायग्राम के अंदर पुट करेंगे, एवरेज मेरे साथ निकालिए, एज्यूम की हमने 4 माइनस 6 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, 4 से आएगा 8, 8 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने 7 में, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस 8 बाय 7 दैट इज 36/7. ओके, तो ऐसे आप फटाफट एवरेज निकाल सकते हैं. देखिए आपने कितनी इजीली फ्रैक्शन के अंदर कैलकुलेट कर ली रिक्वायर्ड एवरेज. नेक्स्ट, राम कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर्स, यानी आपका एवरेज स्पीड दे दी इसने. फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही कवर्ड बाय कार, देन ही हायर्ड रिक्शा. द स्पीड ऑफ कार एंड रिक्शा इज दिस एंड दिस, तो दोनों जो टॉप वैल्यूज है आपको एवरेज वो भी दे दी 20 एंड 12. अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड रिक्शा. तो एवरेज स्पीड आपकी क्या आई, 15 किलोमीटर पर आवर. आपने 12 और 20 एलिगेशन डायग्राम में पुट किया, एवरेज को आपने यहाँ पे निकाल के 15 पुट किया. अब हमें रेशियो निकालनी है, बट क्योंकि हमारी एवरेज स्पीड है तो जो रेशियो आएगी वो किसकी आएगी, टाइम की. तो यहां से हम क्या करेंगे, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 एंड 12 माइनस 15 इज इक्वल टू 3. तो ये रेशियो आ गई हमारी 5 एंड 3. ये हमारी 5:3 टाइम की रेशियो है. अब अगर हमें डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या होता है, हमारी स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या हमारा 12, टाइम कितना लगा 5, तो यहां से कितना आया 12 5 60. ऐसे ही यहां पे स्पीड कितनी है हमारी 20, और यहां पे टाइम कितना है 3, डिस्टेंस क्या आया हमारा 60. तो 60:60 = 1:1, और ऑप्शन में आपके पास गिवन होगा 5:3. तो इस चीज का आप हमें ध्यान रखें हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस चीज की एवरेज हम यहाँ लिखते हैं वो एवरेज जिस रिस्पेक्ट में है, जिस यूनिट की रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो यहाँ पे रेशियो भी उसी की आती है. तो अगर हमें यहाँ पे टाइम डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है, तो वो होगी 1:1 और टाइम की रेशियो होगी 5:3. ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट विद 20 एंड लास्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर. इसे हमने एवरेज स्पीड निकालनी है. अगर आप अब इसमें एलसीएम में जाएंगे तो ये चीज आपको बहुत बड़ी पड़ती है, आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है. अब ये देखिए कि हमारा एज्यूम एवरेज वाला मेथड कितना ईजी हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए. टाइम क्या होता है, हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सबसे पहले डिस्टेंस की रेशियो दी हुई है, इसे हम टाइम की उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे. डिस्टेंस क्या है 1 और स्पीड क्या है हमारी 10, 20 एंड 30, तो इनकी रेशियो अब ये दी हुई है. अब हम क्या करेंगे, इसको रेशियो को कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा 6 3 एंड 1, या
इनके किसी भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो रेशियो आएगी वो 6:3:1 हो जाएगा। इसे आप अब एलिगेशन डायग्राम में पुट कीजिए, स्पीड है 10, 20 एंड 60, टाइम की रेशियो है 6:3:1। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी एवरेज है वो क्या होगी। अब हमें इसमें से एवरेज कर लिया हमने कि हमारी एवरेज है 20, तो 20 से ये वाला डाटा हमारा क्या हो गया 0। अब 20 से 10 कितना कम है, 10, 10 इंटू 6 क्या होगा 60, यानी माइनस 60, और ये कितनी ज्यादा है इससे 40 ज्यादा है, 40 का वेट कितना है 1, तो माइनस 60 प्लस 40 का चेंज करना है हमें, माइनस 60 प्लस 40 यानी माइनस 20। अब ये माइनस 20 कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यानी बाय 10, तो माइनस 20 बाय 10 इज इक्वल टू माइनस 2, और 20 माइनस 2 हमारे पास आ गया 18। ओके, अब ये आप ये वाली सिचुएशन देखिए, अगर आप इस सिचुएशन के अंदर देखेंगे आपको अगर फॉर्मूला मेथड से करना होगा A2 माइनस A1, तो आपको ये फॉर्मूला दो बार आइट्रेट करना पड़ेगा, यानी दो बार लगाना पड़ेगा, तो इसलिए लंबा मेथड हो गया। सेम अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन अप्रोच से करेंगे तो भी आपको दो बारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, उसके अंदर आपका टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए अब हम हमेशा क्या करेंगे कि जैसे ही तीन डायग्राम्स आएंगे या तीन वैल्यूज आएंगी तो हम अपनी एक एवरेज को मिडिल वैल्यू मान लेंगे, या जो वैल्यू बड़ी है जिसके अंदर हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही है वो वैल्यू मान लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे 20 मान ली, तो ये तो खत्म हो गया डाटा हमारा, तो 20 से 10 कितना छोटा है, 10 छोटा है, तो माइनस 10 इंटू 6 कर दिया हमने, 60 कितना बड़ा है, प्लस 40 इंटू 1 कर दिया, तो माइनस 10 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 1 क्या आया हमारे पास, माइनस 20। माइनस 20 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों के एडिशन के अंदर, माइनस 20 बाय 10 इज इक्वल टू माइनस 2, और 20 हमने अज्यूम की थी, 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एलिगेशन डायग्राम। अब एलिगेशन डायग्राम हमारे चार टाइप से बनाए जा सकते हैं, चार क्वेश्चंस हमारे एलिगेशंस के ऊपर पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या है कि आपको बाकी चारों वैल्यूज गिवन होगी, आपको नेट एवरेज निकालनी है। सेकंड टाइप आपको क्या पूछी जा सकती है कि आपको नेट एवरेज गिवन होगी और दोनों एवरेज गिवन होगी, आपको उनका रेशियो निकालना है। थर्ड क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है आपके पास कि आपको रेशियो की भी एक वैल्यू दी होगी और सेकंड वैल्यू निकालनी है। और फोर्थ टाइप आपका क्या है कि आपको रेशियो भी दी होगी, नेट एवरेज भी दी होगी और एक एवरेज दी होगी एक ग्रुप की, आपको सेकंड ग्रुप की एवरेज निकालनी है। तो इन चारों के ऊपर अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आइए वो सब देखते हैं। सबसे पहले हाउ मच पेप्सी एट ₹6 अ लीटर इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ ड्यू एट ₹10 अ लीटर सो दैट द प्राइस ऑफ अ मिक्सचर बी ₹9 ए लीटर। अब इसमें सबसे पहले हम वैल्यूज पोर्ट करेंगे कि एलिगेशन डायग्राम में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। आप देख सकते हैं ये ₹6 आ लीटर, ये एक एवरेज है, यानी ये हमें अपनी टॉप रो में लिखनी है 6 एंड 10। तो 6 एंड 10 हमारी वैल्यू थी, प्राइस था हमने एक में लिख दिया। अब ये प्राइस, अब हमें इसकी एवरेज प्राइस भी दी हुई है मिक्सर की ₹9 ए लीटर, तो 9 में लिख दिया। हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है कि हाउ मच पेप्सी हम ड्यू के अंदर ऐड करें कि हमारा एवरेज प्राइस जो है वो 9 बन जाए। तो हमें ये 6 भी गिवन है, 10 भी गिवन है, 9 भी गिवन है, हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो कैसे हम निकालेंगे, सिंपली 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 एंड 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3 होता है। जब भी हम एलिगेशन डायग्राम के अंदर लिखते हैं ये वैल्यूज हमारी एक ही तरफ चलती हैं, या तो लगातार इंक्रीजिंग होती हैं 6 9 10 या लगातार डिक्रीजिंग। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 9 6। ओके, तो हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, एक फ्लो में चलते हैं, जैसे 10 में से 9 घटाया, 9 में से 6 घटाया। ओके, या फिर अगर आप पर 10 यहाँ लिखा होता या यहाँ पे 6 लिखा होता तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 इधर आ जाता, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आपका इधर आ जाता। तो जैसे भी आपको ये लगानी है आप सिंपल इसको एक ही लाइन में ऐसे लिखे 6 9 10 या 10 9 6। ओके, तो 6 माइनस 9 3 आया, 10 माइनस 9 हमारा 1 आया, तो 1:3 के अंदर हम मिलाएंगे, यानी एक पार्ट हमारा ₹6 पर लीटर का और तीन पार्ट हमारे ₹10 पर लीटर के, तो हमारी एवरेज प्राइस क्या बन जाएगी, 9। ओके, अब हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है। अगर 1:3 के अंदर हमने डालना है और हमें ड्यू कितनी दे रखी है 15,
यानी 3 कोरस्पोंड कर रहा है हमारा 15 को, यानी 3 पार्ट हमारे 15 के बराबर है, तो एक पार्ट कितना हो गया हमारा 5 लीटर के बराबर। तो यहाँ पे हमें एक पार्ट ही डालना है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आई 5 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडर हैज 50 किलोग्राम ऑफ राइस ऑफ ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 14% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 6% लॉस। On the whole, his loss is 4%. What is the quantity sold at 14% profit and that at 6% loss? तो हमें क्या निकालनी है quantity दोनों की। हमें क्या given किया हुआ है कि उसने 50 किलोग्राम ऑफ राइस लिया, he sells at 14% profit. 14% profit का मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं अगर 100 रुपए था तो 14% उसके ऊपर क्या लग गया 114 का बन गया हुआ। हमने assume कर लिया कि हमारे पास वो 100 रुपए है, ठीक है। उसके बाद उसने जो बाकी बचा उसको 6% लॉस में बेच दिया। 6% लॉस का मतलब क्या है, उसने 100 में से 6 का 94 में बेच दे दिया। ओके, तो उसको टोटल कितना लॉस हुआ 4% का। तो 100 में से 4 गए कितने आ गए 96, तो 96 का उसे लॉस हुआ। अब हमें क्या निकालनी है इनकी रेशो। रेशो कैसे आएगी, 114 माइनस 96 इज इक्वल टू 18 एंड 94 माइनस 96 इज इक्वल टू 2, यानी 9:1। ओके, अब इस चीज को आप देख रहे हैं कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है 114 और 96 को, तो आप इसको प्लस माइनस डोमेन में लेके जा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो माइनस 6% लॉस का मतलब क्या है माइनस 6, 14% प्रॉफिट का मतलब क्या है प्लस 14, और होल उसे लॉस हुआ माइनस 4%, तो हमने लिख लिया यहाँ पे माइनस 4। अब देखिए ये बड़ा है 14 और ये छोटा है, तो 14 माइनस माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18। ऐसे ही अब माइनस 4 बड़ा है और माइनस 6 छोटा है, तो माइनस 4 में से हम ये माइनस करेंगे, माइनस 4 माइनस माइनस ऑफ 6 यानी माइनस 4 प्लस ऑफ 6 यानी 2। तो हमारी देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है 9:1 या 18:2। अब उसने हमें दोनों की क्वांटिटीज पूछी है, यानी 50 किलोग्राम उसने हमें टोटल वेट दिया है। अब 50 किलोग्राम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 9:1 में, तो 9 वाला पार्ट क्या होगा 45 केजी और 1 वाला पार्ट क्या होगा हमारा 5 केजी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रुपीज 60 पर लीटर एंड प्राइस ऑफ स्पिरिट इज रुपीज 40 पर लीटर, इन व्हाट रेशियो द पेट्रोल एंड स्पिरिट बी मिक्स्ड सच दैट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज 75 पर लीटर बी 25%। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है After selling mixture at 75 rupees per liter is 25%, ठीक है। सबसे पहले हम अपना irrigation diagram बनाएंगे। Selling price of mixture क्या है 75 rupees, तो cost price of mixture क्या आएगी हमारी 60 rupees। ऐसा क्यों, क्योंकि इसे 25% का profit हुआ है selling करने के बाद। 25% का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी cost price निकालेंगे तो वो हमारी आएगी 60। इसको हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा जब हम करेंगे प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर। फिलहाल के लिए इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, शायद आपको आता भी होगा, परसेंटेज वाले चैप्टर में आपने किया होगा सबने पहले कभी। तो अगर 75 रुपीज हमारे 25% प्रॉफिट लगने के बाद हुए हैं, तो अब अगर हमें वापिस सीपी पे जाना है तो 1/4 हुआ है, इसको 1/5 कर लेंगे, तो 75/5 क्या आएगा हमारे पास 15, तो 75 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी 60 रुपीज। ओके, तो पहले इसने प्राइस ऑफ पेट्रोल लिखा 60 रुपीज पर लीटर एंड 40 रुपीज पर लीटर, उसके बाद उसने क्या कह दिया इसकी एवरेज प्राइस हमारे पास क्या आनी चाहिए 60। तो आप देखिए क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक चीज 60 रुपए की है और एक चीज 40 रुपीज की, और हम उन दोनों को मिलाएं तो पूरा का पूरा मिक्सचर हमारा 60 का बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वैल्यू एक ट्रेंड में चलती है, या यहाँ से हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग, ये दोनों वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, तो ये मिक्सचर हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें इनका एवरेज दिया हुआ है 7 पर केजी, और उनकी एक की प्राइस दी हुई है और उन दोनों का रेशो दिया हुआ है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को हम कैसे निकाल लेंगे, तो 7 माइनस 6 क्या है 1 कोरस्पोंड कर रहा है हमें, या 4 कोरस्पोंड कर रहा है हमारे 1 के डिफरेंस को, और यहाँ पे
5 कोरस्पोंड करेगा कितने के डिफरेंस को, वो आप निकाल सकते हैं। अगर 4 ने कोरस्पोंड किया 1 के डिफरेंस को, तो 5 किसको कोरस्पोंड करेगा, 1/1.25 को। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 1.25। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 8.25। सो प्लीज ज्वाइन माय कोचिंग सेंटर, डाइस, प्ले विद प्रॉब्लम्स।